الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي دخل الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. भाइयों दोस्तों बुजुर्गो, अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू ने दुनिया की ये जिंदगी हमको आखिरत की जिंदगी बनाने के लिए दी। हम इस दुनिया में दुनिया के कारोबार के लिए नहीं आए, हमारी अपनी ज़रूरतें हैं और ज़रूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू ने वादा किया कि हम आपकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। वे इंसान क्या हैं कि ज़मीन पर रेंगने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले, समंदरों में तैरने वाले, सारों के रिस्क का इंतजाम अल्लाह ने कर रखा है। सबकी जरूरत जो है उसको अल्लाह ही पूरा करता है। और एक बात इसको भी समझ लेने की जरूरत है कि ये इंसान जो दावा करता है कि मैं करता हूं, हम सुनते आते हैं, हमारे यहाँ जमातें भी सुनाती हैं इसको, हमारे बुजुर्गाने दीन भी सुनाते हैं कि भाई क्योंकि हमने अपने दीन पर मेहनत की नहीं, ईमान आमाल पर मेहनत की नहीं, इसलिए अब दुनिया में हर फर्द का बोल बदल गया है। कहने के लिए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के करने धरने वाली दास सिर्फ एक अल्लाह की है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कहते तो हैं हम अपनी जुबान से, मगर अमल जो है इसके खिलाफ है। इसलिए जब आपके यहाँ पर अभी ये इज्तिमा तय हुआ तो बहुत सारे साथियों की तश्कीलें हुई होगी, बहुत सारे साथियों यहाँ, बहुत यहाँ मौजूद भी होंगे। तो तश्कील वाले ने जब तश्कील की तो सबसे पहले ये बताया कि देखो मैं करने वाली जात अल्लाह की, ये कह के बात अपनी की, अपनी आखिरत बताई। फिर कहा कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इज्तिमा है, आपको 4 महीने जाने का है। तो फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह जो जुबान पर था ना, वो अब गायब हो जाता है। अब जो अंदर जो दिल में है एंड वो बाहर निकलता है, क्या है, अरे 4 महीने जाने का है। ना मैं नहीं जा सकता, क्यों, फिर मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरा मेरे पूरा काम का क्या होगा, मैं अगर चला गया तो, यानी करता मैं हूँ, करता मैं हूँ, ये दावा है इंसान का। होता क्या है, एक बाप यूं कहता है कि मैं मेरे बच्चे की परवरिश करता हूँ, मैं मेहनत करके कमा कर लाता हूँ और मेरी बीवी पकाती है और मेरे बच्चे खाते हैं, परवरिश मैं करता हूँ, मैं पालता हूँ इनको, मैं बड़ा करता हूँ। अब हमारे हाथ में है ही नहीं ये मसला बड़ा करने का, हमारे हाथ में है ही नहीं। हमने तो भाई 2 रोटी के टुकड़े उनको दिए हैं, बाकी भाई और दोस्त बुजुर्गो ये जब 6 महीने का था तो उसको दूध की जरूरत थी, अल्लाह ने दूध का इंतजाम किया। अब खाली दूध से काम नहीं चलता है,
हमने दूध ला कर दे दिया या 2.5 साल का 3 साल का हो गया तब उसको हम खोरा, इससे काम नहीं चलता है। अच्छा भाई, इसकी हड्डियों को जैसे जैसे उसकी उम्र होती है ऐसे मजबूत कौन करता है? आप करता है, माँ करती है। अच्छा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी उस हड्डियों को बड़ा भी करना पड़ता है, लंबा भी करना पड़ता है, चौड़ा भी करना पड़ता है, कौन करता है? आप करते हैं, मैं करता हूँ। किस चीज का दावा है? मैं 2 रोटी के लुक में गिरा दिए तो मैं पालता हूँ। जहां जहां बालों की जरूरत है वहां बाल उगाता है, जितनी मकदार की जरूरत है उतने उगाता है। भाई है, उसका जिस्म बड़ा हो रहा है, सर छोटा रह रहा है, ये क्या हो रहा है? जिस्म की साइज के एतबार से सर भी बड़ा होना चाहिए, आंखें भी बड़ी होनी चाहिए, कान भी बड़े होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है, कोई मसला है। अब बाप कि मैं करता हूं, ले भाई कर ले तू, करके दिखा इसका सर बड़ा नहीं। हरने वाली दाग सिर्फ एक अल्लाह की है। हाँ वही, ऐसे ही हर चीज में देखे आप, जितनी हमारी जरूरतें हैं वही अपनी कुदरत से और अपनी ताकत से पूरी करता है। जिसको जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है, जिस हाल में हो, उस जरूरत को पूरी करता है। इसको समझने की जरूरत है। हमने भाइयों दोस्तों को गलत दावे कर दिए, घर का मालिक मैं, मोहल्ले में मोहल्ले की कमेटी बनी कि भाई मोहल्ले का मालिक मैं। फिर हाँ वार्ड बनते हैं, शहर होता है तो वार्ड पंचायत है कि इसका मालिक मैं, सरपंच मैं, कलेक्टर मैं, फुला मैं आगे सूबे में जाओ तो भाई बोला हाँ भाई वजीर आजम है, मुल्क में जाओ हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है, कौन करता है कि मैं करता हूँ। सबका ये दावा है, सबका ये दावा है। भाई दोस्त बिल्कुल, जहाँ बारिश नहीं होती वहां वजीर साहब क्या कर सकते हैं? 6 महीने तक नगर पालिका की गटर की लाइन और साफ सुथरे पानी पीने के पानी की लाइन जो आ रही थी वो 6 महीने से जुड़ी हुई थी अंदर से लीकेज होकर। कॉर्पोरेटर साहब अगर काम कर सकते हैं तो इसको पहले से जान जाते कि भाई ये गलत पानी अंदर जा रहा है, लोग पी रहे हैं, तो ये बीमारी फैली तब पता चला कि भाई क्या वजह है। अब पानी का टेस्ट किया तो पता चला कि भाई गड़बड़ है अंदर, अब लाइन ने अब चेक की तो पता चला वो ये तो 6 महीने से चल रहा है, तो बंद कर रहा है। अगर आपको पहले पे पता होता तो आप पानी पीते इसका? पिए जा रहे थे। ये करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है, वो अपनी कुदरत से करता है। हमारी भाइयों दोस्तों को दावत तबलीग की इस मुबारक मेहनत से बस बात यही समझाई जा रही है। अल्लाह करे कि मेरे और आपके दिल में और उम्मत के दिल में ये बात उतर जाए जैसे सहाबा के दिल में उतर गई, सहाबा के दिल में उतर गई। और हमारे जमाने में बहुत सारे अल्लाह के बंदे हैं, बहुत सारी अल्लाह की बंदियां हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां दी, अब उनके दिलों की ये कैफियत बन चुकी है, ये कैफियत बन चुकी है। भाई 4-4 महीने लगाए, चिल्ले लगाए, गश्त किए, मुलाकातें की, करते करते बोलते बोलते दिल में ये बात अंदर रुसूख कर गई है। हमारे जमाने में भी ऐसे बहुत सारे अल्लाह के बंदे और बंदी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बस जरूरत इस बात की है कि इस पर मेहनत की जाए। बल्कि भाइयों दोस्तों को मैं बताऊं, कभी कभी ये नेमत अल्लाह की तरफ से किसी किसी को मिल भी जाती है। अल्लाह हमें समझा दे, बगैर अल्लाह पर क्यों कहते हैं यहदी मैं यूनीब, जो आता है उसको हिदायत देते हैं, यहदी मैं यूनीब जो रुजू करता है अल्लाह की तरफ लौटता है, तो फिर अल्लाह पाक कहते हैं कि आ जाओ हमारे दरवाजे खुले हैं। मौलाना रूमी कहते हैं गर सदबार तोबा शिकस्ती बाज आ बाज आ बाज आ,
की दर गए माँ दर गए नौमिदी ने। भाई हमारी साहब मेरी तो 50 साल की उम्र हुई, मैंने तो बहुत कोशिश की एंड पहले नमाज पढ़ना शुरू की एंड फिर छूट गई। फिर एक मौली साहब मिले थे, एक जमात के साथी मिले थे, 3 दिन लगाए थे एंड फिर शुरू की फिर छूट गए, फिर शुरू की फिर छूट गई और गुनाह की जिंदगी मेरी गुजरती है। तो कहते हैं ला तक न तुम रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। सदबार तोबा शिकस्ती, अगर आपने 100 मरतबा तोबा करके तोड़ डाली है, मौलाना रूमी कहते हैं वापस आ जाओ। अल्लाह की तरफ से कहते हैं, इस आयत का तर्जुमा कहते हैं ई दर गए माँ दर गए नाउम्मीदी ने। ये शाही दरबार है खुदावंद कुद्दूस का, यहाँ नाउम्मीदी की कोई जगह है ही नहीं, यहाँ तो उम्मीद और यकीन है कि मेरा रब करेगा, वो सबका करता है, मेरा क्यों नहीं करेगा। एक मछली का काम कर देता है, एक चूटी का काम कर देता है और एक जानवर का काम कर देता है, मैं तो बशर हूं, इंसान हूं, मैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मकाम है अल्लाह के यहाँ, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, नियाजमंदी है मेरी, करेंगे अल्लाह जरूर करे, बस वो यकीन पैदा करने की जरूरत। एक भिखारी था, भिखारी भीख मांग लिया करता था अपना गुजरान पूरा करने के। एक भाई ने देखा जो उनके पास पैसे मांगता है, उनके पैसे दो, तो उसको ऐसा लगा कि ये भिखारी तो है मगर साथ में चर्सी भी है, मैंने बहुत अच्छी तरह फकीर लोग ऐसे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा, खाना हो तो मैं खाना खिला दू, खाना हो तो खाना खिला दू, पैसे रोकड़े नहीं दूंगा। तो उसने क्या कहा वो फकीर ने, फकीर ने कहा कि देखो भाई खाने की दावत तो किसी और की तरफ से है, पीने की दावत आप करते हो तो करो। बोले वो कहते हैं कि मैंने उसको समझाया कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, चरस पीना बहुत बुरी बात है, हैसियत खराब हो जाती है, ये वो सब है, मैं आपको देना दे दूं, ये तो कोई और दरवाजा है मेरे लिए, कोई और दे देगा। वो कहते हैं कि न चाहते हुए भी मुझे तरस आ गया तो मैंने दे दिए पैसे, पैसे तो दे दिए मैंने, तो पता था कि ये जाएगा पिएगा। तो साहब कहता है कि दावत किसी और की तरफ से हुई, खाने की दावत किसी और की है। तो कहते हैं कि मैं उसके पीछे गया, कहाँ जाता तो बोले रास्ता चलते चलते एक जगह पर शादी थी, तो कुछ लोग खाना उठा कर लेकर जाते थे, तो एक कटोरा गिर गया, एक प्लेट गिर गई, तो वो तो चल बने ये वहां बैठ गया और खाना शुरू किया, पहला ही लुकमा लिया तो मेरे ऊपर नजर पड़ गई उसकी। तो वो क्या कहता है वो चर्सी वो फकीर, बाकी अल्लाह पाक हमें समझा दे, हम दीन की बातें सुनते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, गश्त करते हैं, अल्लाह हमें समझा दे इस चर्सी की बात को, हम अल्लाह हमें समझा दे। उसने यूँ कहा कि भाईजान ऐसे तो वो खाना रोजाना प्लेट में ही देता है, मगर आज तक थोड़ा ताल्लुक बिगड़ा हुआ है मेरा उसके साथ, देता तो जरूर है, मिलाता जरूर है, अभी ऐसे ही जो दिया तो थोड़े ताल्लुक में बिगड़े हुए उसके साथ, इसलिए ऐसे दे, समझा हमारा कितना बिगड़ा हुआ है ताल्लुक। हम कौन से दर की ठोकरें खाते हैं अपने कामों के लिए, एक दर पर अगर मजबूती के साथ जम जावे और उसका ताल्लुक एक बना ले लें तो क्या मजा आ जाता, जिंदगी जीने का मजा आ जाता। आज जो भाई और दोस्त को जिंदगी में मजा नहीं है, पर वजह इसकी है कि ला इलाह इल्लल्लाह ये नहीं बना, सहाबा का ये बन गया तो जिंदगी में बहुत मजा आता। 22 मुरब्बा मील जमीन के मालिक, हुकूमत करने वाले 22 मुरब्बा मील, इतनी बड़ी हुकूमत के मालिक, देखो मस्जिद में चटाई भी नहीं है, मिट्टी है और सर के नीचे एक ईंट का टुकड़ा है और आराम फरमा रहे हैं,
का बाजार। लोगों को एसी में नींद नहीं आती, जिसके पास इतनी बड़ी जायदादें हों, इतनी बड़ी सल्तनतें फैली हुई हो, कैसे नींद आ सकती। और ये 22 मुरब्बा मील था जमीन का मालिक, फर्श पर, जमीन पर, रेत पर एक ईंट का टुकड़ा लगाए हुए सोया हुआ। मजा है जिंदगी, जिंदगी हमारी दोस्तों को बिगड़ी हुई, इसको बनाने की जरूरत। हमारे घरों में, बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में बिगड़ी हुई एक जिंदगी है, गुजर रही है, बस गुजर रही है। कांपते हैं कि भाई चलो कभी मौत आ जाएगी, खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग तो कहते भी ऐसा, बस कब मौत आ गई और चले जाओ, बहुत तंग हो गए दुनिया। तो भाई रास्ते ऐसे इख्तियार किए तंग होने के, इसलिए तंग हो गई। रास्ता एक हमें दिया गया था, रास्ता एक हमें दिया गया था, कुरान और हदीस का रास्ता, जिसमें भाई और दोस्तों बुजुर्गो सरासर दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह पाक ने रखी, सरासर कामयाबी, जिस पर चलकर भाई और दोस्त बुजुर्गो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन कामयाब हो गए, कामयाब हो गए। ये भाई और दोस्त बुजुर्गो हमने हमारे दुनियादारों के साथ रह रहकर एक हमने भी अपनी जिंदगी को बना, सुन्नतों को छोड़ दिया, नबी वाली सुन्नतें जिंदगियों से गायब हो गई। चर्क बर्क लिबास होने चाहिए, ऐसे बूट होने चाहिए, ऐसे शर्ट होने चाहिए, ऐसी टोपी होनी चाहिए और ऐसी घड़ी होनी चाहिए, ऐसा कमरा होना चाहिए और मकान है तो उसका ऐसा कलर। लोग यूं कहते हैं मकान बनाते हैं, देखो भाई जरा भी चलाए नट ले ना, जरा भी चलाए नट ले, ये क्या पूरी जिंदगी रहेगा इसमें, हमेशा रहने का तुझे जाना है इस घर को तो छोड़ कर, ये एक दिन खंडर होना है। और दीन के बारे में वे आपकी तहज्जुद नहीं हो रही है, आपकी शरात नहीं हो रही है, आपके तस्बीहात नहीं हो रही है, आपने कुरान की तिलावत कब की थी, कब की थी कुरान की तिलावत यार, वो रमजान में की थी, अब रमजान आएगा तो दोबारा करेंगे। अच्छे खासे हमारे साथी जो होते हैं ऐसे जिंदार देखते हैं, उनको पूछो कि भाई हफ्ते में है ना, आज मिसाल के तौर पर पीर का दिन है, ये गुज़स्ता पीर से अब तक आज के पीर पीर के दिन तक आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद कितना भेजा, आपने, क्योंकि हमारी जिंदगी गुनाहों में बसर होती है, जगह जगह पर गुना 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 हो जाते हैं, आपने गुज़स्ता पीर से इस पीर तक कितना इस्तिग़फ़ार और तौबा किया। कभी आप तस्बीह लेकर बैठे, कुरान लेकर बैठे, क्या गुज़स्ता पीर से इस पीर तक आपकी फजर की नमाजें कितनी छूट गई। नमाज पढ़ते हैं आप, नमाज पढ़ते तकबीर उला कितनी फौत हुई, कितनी नमाजें रुकू और सज्दों के साथ सही तरीके से अदा की गई, ध्यान और तवज्जो वाली नमाजें कितनी हुई इस हफ्ते में। ये सब ऐसा ही जा रहा है। और मकान बनाओ तो कपड़े बनाओ तो जरा भी चाला बंद मत करना, चलो जे खर्च उठाए करो और वक्त लगाऊंगा दुनिया पर और कमाऊंगा, पैसे आपको दूंगा मैं, मगर ज्यादा ही लेवन लगी। और नमाजें जिक्र तस्बीह तिलावत दीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये वो चल रहा है, सब चलता है, ये मुसलमान है। जिंदगी ऐसी गुजर रही है भाई, ये जिंदगी पर अल्लाह का कोई वादा नहीं है, इस जिंदगी पर अल्लाह का कोई वादा नहीं, वैसा जिंदगी मेहनत करके बनाई जावे और अल्लाह जल्ल शानों के साथ एक ऐसा ताल्लुक बन जावे। समझते आप ताल्लुक, ताल्लुक समझते, जैसे है एक नौजवान लड़का होता है, वो किसी दफ्तर में, किसी दुकान पर, किसी कंपनी में उसकी सर्विस नौकरी होती है,
वो रोजाना पाबंदी से वहां नौकरी करता है, अमानतदार है, सच्चा है, तो बॉस को सेठ को बहुत अच्छा समझता है, बहुत अच्छा आपने मिलाया उसे, भरोसे लायक है। अब सेठ का इन दोनों का ताल्लुक बन गया। अब हाँ, ये इतवार के दिन छुट्टी थी तो अपनी खाला के घर गया। चलो बहुत दिन हो गए खाला के घर नहीं गया, चलो खाला के घर जाते हैं। वहां गया, खाला ने पूछा बेटा खैरियत क्या, अलहमदुल्ला नौकरी चाहिए कि हाँ खाला जाता हूँ पाबंद जी कि हमारे अब्दुल्ला को भी कई जगह पर सेट करवा दो बेटा, तुम्हारा तो 5-10 साल से कितना अच्छा सेटिंग है, हमारे अब्दुल्ला का भी सेटिंग करवा दो। तो वो उस वक्त वो नौजवान ही कहता है खाला जान आप फिक्र मत करो, कल से भेज देना, मैं सेठ को बात कर लूंगा, अपना ताल्लुक है उनके साथ। खाला भी वो समझती है कि मेरे पांचे का सेठ के साथ ताल्लुक है, इसलिए मेरे बेटे का काम बन जाएगा। एंड वो नौजवान अब्दुल्ला उसका भाई चचा खालाजाद भाई वो भी वो समझता है एंड कि मेरे खालाजाद भाई ने कहा मेरा काम हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। और भाई इसको भी पूरा विश्वास है कि सेठ के साथ मेरा ताल्लुक है, कहूंगा तो हो जाएगा। मेरा और आपका भाई दोस्त किसी का 10 साल से नमाज का अल्लाह के साथ का ताल्लुक है, तबलीग में जुड़े हुए 20 साल हो गए, किसी के 40 साल हो गए, 50 साल हो गए नमाज पढ़ते हुए पढ़ते पढ़ते, रोजाना 5 वक्त जाते हैं, कभी ऐसा ताल्लुक हो गया कि घर में बीमारी आई है, घर में हम यूं कह रहे हैं बीवी को यानी कि जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, मैं कहूंगा अल्लाह से, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अल्लाह को जाकर कहता हूं, ऐसा ताल्लुक इलाका बना मेरा। ये भाई और दोस्तों को सहाबी किराम रजी अल्लाह ने उसमें इनका बना था राबिया बसरिया एंड रोजाना रात को अपने शोहर से यूं कहती कि देखो खाने पीने का जो कपड़े धोने का सारा काम निजाम हो गया है, अगर आपकी जरूरत हो तो बांदी हाजिर है, अगर आपको कोई जरूरत खिदमत की नहीं है तो फिर ये बांदी उस खुदा की बांदी है, उसको उस मालिक का काम करने की इजाजत दे दीजिए आप, क्या लुत्फ होता होगा, क्या मजा आ रहा होगा। अब रात भर नमाजें पढ़ रही है राबिया ताल्लुक बना रही है फातिमा, हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी, इशा की नमाज के लिए वजू किया, मसल्ला बिछाया, इशा की नमाज पढ़ी, मजा आया नमाज पढ़ने में, कि चलो 2 रकात और पढ़ दी, 2 रकात और पढ़ दी, और हमारी तरीके से नहीं और वाले होती। हमारे तो इतने की कुछ घूमने के लिए वापसी में सहारनपुर होते हुए आए तो हजरत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में किसी हजरत से मुसाफा कर ले बरकत हासिल कर ले, तो वहां गए हजरत के पास, तो खादिम से बात की तो खादिम ने कहा कि देखो थोड़ी देर ठहरो मैं भी देख लेता हूँ मौका, तो फिर आपको बुलाऊ तो आप आ जाना, क्या ठीक है। खादिम ने मौका देखा तो बुलाए जा जाओ, तो बोला मां हाफिज कुरान थी हजरत नीची निकाह किए हुए थे और हाथ यूं बढ़ाया और बड़ा कर यूं कहा ओहो हाफिज कुरान हो और सुन्नतों में इन्ना आते ना और कुरवल्ला से पता देते। ये अल्लाह वाले को ये कैफियत पता चले तो वो अल्लाह जिसने कुरान सीने में डाल दिया है उसको कैसा लगता होगा कि मैंने इसके सीने में कुरान उतारा याद करवाया तो फिर भी ये इन्ना आते ना कुरवल्ला। तो फातिमा की लंबी लंबी नमाजें होती थी तो दो और पढ़ती रही फजर की अजान हो गई, बिलाल रजी अल्लाह तआला ने अजान पढ़ी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फातिमा नमाज पूरी कर कर कहती है अल्लाह से शिकायत कर, क्या कहती है अल्लाह से, अल्लाह तूने कितनी छोटी रात बनाई, अभी नमाज में मजा आना ही शुरू हुआ था कि तेरी रात तो पूरी हो गई, है कोई नमाज हमारे पास है, हमारे पास कोई ऐसी नमाज है,
तो भाई और दोस्तों जो ये ताल्लुक बनाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। अल्लाह वालों का ताल्लुक ऐसा बना, इसलिए नमाज में मजा, तस्बीह पढ़ने में मजा, कुरान की तिलावत करने में मजा, इताअत करने में मजा, सुन्नतों पर चलने में मजा, मुस्ताहबात अदा करने में मजा। अगर भूल जाओ तो दिल में कलप हो गया। बुजुर्ग का वाक्या बच्चे सुनते हैं, बहुत बीमार हो गए, हाथ से वजू नहीं कर सकते थे, खाली वजू करवा दे, गर्दन का मसा रह गया, वजू में गर्दन का मसा रह गया, तो बहुत चेहरा बिगड़ गया। अब वो वजू कराने वाला वजू करा रहा था, रह गया भाई हजरत क्या बात, क्या बात कि गर्दन का मसा रह गया। हमें तो दौड़ते दौड़ते आते हैं वजू खाने पर, है ना, वो लाइन भी लगी हुई होती है, दूसरा तीसरा नंबर अपना, है भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, ना जमा तो भी नहीं है, पहले वहां दुकान पर जल्दी करवानी की थी हमको, वहां जल्दी नहीं करवाई हमने, घर में से उस वक्त जल्दी करवानी की थी, भाई जल्दी करो जब नमाज खड़ी होने वाली है, अजान होने वाली है, अब यहाँ जल्दी करो, अब जल्दी जल्दी में है ना, हर एक ऐसे वजू कर रहे हैं फटाफट जा रही है वजू, और फिर परेशान है सब, सब परेशान है, ये ऐसा करने की वजह से परेशानी आई। हम सोचते नहीं है ये परेशानी आई कैसे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है, मैं आपको बताता हूँ, रिस्क में बरकत, इसमें रिस्क में बरकत, समझते हैं ना, रिस्क में बरकत थी, सबको चाहिए रिस्क में बरकत, जब इस्तेमा होता है ऐसे दुआ होती है, कष्ट के दिन कोई जोड़ के दिन, तो दुआ कराने वाला दुआ कर रहा है, कहते हमारी मफ़रत बरकत, सब लोग कहते हैं आमीन आमीन, खबर के अजाब से आमीन, खुला से हिफाजत जन्नत अता फरमा आमीन, और यूं कहा उसने कि अल्लाह हमारी रोजी में बरकत आमीन, होता नहीं था। सबके दिल में है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा बताया, बताओ आपको है, बहुत आसान, जो कुरान और हदीस में आता है कि रिस्क में बरकत चाहते हो, औलाद में बरकत चाहते हो, कसरत से आसमान से पानी बरसना चाहते हो, ऐसे इस्तेगफार कसरत से करो, क्या करो इस्तेगफार कसरत से करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ एक दुआ बताई है वुजू करते वक्त, ये वुजू की बात है इससे मुझे याद आ रहा है, वुजू करते वक्त एक दुआ बताई, उसमें इस्तेगफार भी है, रोजी की बरकत भी है, मकान की वसअत भी है, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي। वुजू करते वक्त ये दुआ पढ़ने की होती है, बहुत सारे साथियों को याद भी हो, मैंने पढ़ी तो कुछ कुछ आवाज आई, मुझे एहसास हुआ, मगर पढ़ने वाले क्या पढ़ते हो, कैसे याद भी रहेगा, ये पढ़ते तो ध्यान से जब वुजू होगा, इत्मीनान से वुजू होगा तो ये दुआ भी याद आएगी, दुआ याद आई, ऐसे ये दुआ पढ़नी है वुजू के दौरान में, हाँ भाई हमने वुजू किया, वहां से हाथ धोए, वहां से लेकर पैर धोने तक अपने दो मरतबा तीन मरतबा चार मरतबा पांच मरतबा पढ़ सकते हैं दुआ। अगर एक वुजू में पांच मरतबा पढ़ी हमने, तो पांच वक्त तो कम से कम हम वुजू करते हैं पांच वक्त की नमाज के लिए, तो कितनी मरतबा हो जाएगी भाई, पच्चीस मरतबा तो ऐसे ही इस्तेगफार हो जाए, पच्चीस मरतबा तो ऐसे ही इस्तेगफार हो जाए, और हाँ मकान की वुसअत की दुआ हो जाए, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी ووسع لي في داري। हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मुझे, जिनको घर नहीं है, कि अल्लाह मुझे एक छोटा मोटा घर दे, छोटा मोटा क्यों मांगते हो, वो छोटा मोटा थोड़ा है, वो तो बहुत बड़ा है, उससे छोटा मोटा मांगने की क्या जरूरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है दुआ घर के लिए, दुआ करने का कहना वसी कर अता फरमा, जिसमें हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जावे, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी हो जावे,
मेरे खानदान वाले आ जाए शादी में तो उन सबकी जरूरत उसी घर में पूरी हो जा रही, ऐसा घर अता फरमा मांगोगे। फिर कहा हम बारिक लेते रिस्क और मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा। कितनी अच्छी दुआ, ऐसे अच्छी अच्छी दुआएं, अच्छी अच्छी दुआएं हैं, उन दुआओं का इंतजाम करना। ये दुआएं भाई दोस्तों को हम कहते हैं कि ये दुआएं वो दुआएं हैं जो जिन दुआओं ने अर्श तक का रास्ता देखा, कहां तक का अर्श तक का रास्ता देखा है। नबी ने मांगी है, नबी की जुबान मुबारक से ये कलिमा निकले हैं और सीधे अर्श पर गए, ये वो दुआ है। इसके बीच में अगल बगल में हमारी दुआ भी लगा दे हुए तो सीधी अर्श पर पहुंच जा रही है। दुआओं का इंतजाम करना। तुम्हें मसनून दुआओं का इंतजाम करना करोगे इंशाअल्लाह। मुझे एक वाकया याद आया, मगर अब अभी वक्त पूरा हो रहा है, अपने को आगे कुछ बातें भी कर करनी है। हमारी इज्तिमा की दूसरी मजलिस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको ये माहौल बनाना है। आप अल्हम्दुलिल्लाह पहले आ गए। अब हमारे बुजुर्ग ने दिन बताते हैं कि असर की नमाज का के बाद का, मगरिब की नमाज के बाद का वक्त बड़ा मुबारक वक्त होता है। फरिश्तों की ड्यूटी चेंज होती है, फरिश्तों की ड्यूटी हम बार बार जाते हैं, किसी साहिब का किसी शेख का बड़े आदमी का काम होता है तो उसको नौकर को बार बार मिलते हैं, तो याद दिलाने का मौका है। ये फरिश्ते जाएंगे अभी ऊपर सेठ के पास, ऊपर सारे सेठों के सेठ के पास जाने वाले हैं, उनको कहने की भी जरूरत नहीं, बस आप तस्बीह पढ़ते रहो। वो अर्थ बड़ा सेठ है, वो पूछता है कहाँ से आए कि मैं गोधरा से आया, कौन से मस्जिद से कि मोहम्मदी मस्जिद, क्या यानी कि वो अब्दुल्ला भाई नहीं थे, वो जिक्र में बैठे हैं, वो सुभान अल्लाह तेरी सना बयान करते हैं, तेरी तारीफ बयान करते हैं, और अल्लाह वो तो अपने गुनाहों से माफी भी मांग रहे थे। अच्छा और अल्लाह और सुनो कि वो तो आपके नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी पेश कर रहे थे। शेख के यहाँ अपना तस्किरा हो जाएगा। अच्छा अल्लाह कहेगा कि उनका एक मसला हमारे यहाँ है, एक चिट्ठी आई हुई है कई वक्त से, चलो इस चिट्ठी को फिनिश करो, इसका काम कर दो। ऐसे ही फजर की नमाज के वक्त ड्यूटी चेंज होती है, शेख को याद दिलाने का मौका है, जा रहे हैं नौकर ऊपर, याद दिला देगा उसको, दिलाओगे आप इंशाअल्लाह। किसी की कोई जरूरत नहीं है, न तावीज की जरूरत है, न किसी की जरूरत है, बस अल्लाह से ताल्लुक बना लो, मेरा और मेरा अल्लाह, मेरा और मेरा अल्लाह। गुजराती जवाब में जाए तो बात भी गुजराती में ही करते थे, तो वो दुआ भी गुजराती में करते, दुआ भी गुजराती में करते थे। हमारे मौलाना इस्माइल साहब हमारे यहाँ तस्वीर लाते थे, तो कहते थे उनका नाम भी इस्माइल था, क्या हाजी इस्माइल ने जो ये भी दुआ मांगा, कैसी दुआ मांगे, वो यूँ समझता है कि अल्लाह तो मारो सभी जगह ने सर नौ पार्टनर हमारा एक रन अल्लाह वो बन जाए भाई ताल्लुक ऐसा अल्लाह के साथ। इसके लिए ये तस्बीहात बताई जाती है, कुरान की तिलावत बताई जाती है, भाई रोजाना कम से कम एक पारा हाफिज कुरान है, तीन पारे पढ़े हाफिज कुरान है, तीन पारे पढ़े। और हाँ भाई मसलन दुआएं मैंने बताई है, एक दुआ बताई आपको, और भी मसलन दुआएं हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके मौके की ऐसी दुआएं परफेक्ट बताइए, आप मांगो वो दुआ दिल से, पढ़ने की नहीं है, दिल से मांगो, इंशाल्लाह आपका काम होना है, होना है और होना है, होना है। एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, डिब्बे एक डब्बा नीचे ऊपर एक और चल रहा है, उसके ऊपर एक और चल रहा है, तीन डब्बे चल रहे हैं, तो उलमा किराम थे वो बन गए, बहुत सारे पैसेंजरों को लगा भी, बहुत सारे बेचारे मर भी गए, तो वो कर्मचारी जो थे ट्रेन के, आप कैसे बचे, आप कैसे बचे, डिब्बा भी मतलब दो डिब्बों के बीच में आ गए, आप तो बचने ही नहीं चाहिए, और मैं सबको गिरास लगी थी कुछ भी नहीं, बस इतना से उतर गए,
થોડો કપડો પહેરી ડોળે બાજુ મળશે સફેદ કપડો અને ડાઘો બી નતો પડી મળશે કે કે છે તોરણે કહા કે હમે હમારી નદી ચલા દે એક દુઆ બતાઈએ સફર કી વો દુઆ હમને સફર કી પડ ગઈ સફર કી દુઆ હમને પડ ગઈ થી યકીન હૈ કે હમારા ખુદા બચા લે ऐसी ऐसी दुआएं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौके मौके की बताई उसको पढ़नी चाहिए तो ले को भी बताई कि भाई जब दुल्हन की पहली मुलाकात हो तो ये दुआ पढ़ना नहीं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है ये दुआ नहीं पढ़िए तो हाँ मौके मौके की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं बताई और दुआओं का इस्तेमाल करना साथ में भाई इस्तिगफार करना है अपने गुनाहों पर नदामत करना जो बंदा नदामत करता है अल्लाह को बहुत पसंद आता है बहुत पसंद है आप है ना हम बैठे हैं शादी में किसी मौके पर या मस्जिद में किसी भाई का पैर लग गया तो जरा हमारी यो नजर यूं हो जाती है और साथ में क्या बात कर रहे हैं ऐसे दिल में एकदम चेहरा एकदम कोई बात नहीं हो जाता है तो माफी अल्लाह को बहुत पसंद जब बंदे इतने पसंद करते हैं माफी को तो अल्लाह की यहाँ कितनी पसंद है तो हुक्म दिया माफी मांगने का तो भाई तो हम और एक बात हमारे बदले से और छूट जाती है वो क्या है दुआ का मांगना दुआ का मांगना अल्लाह माफ फरमावे नमाज होती है नमाज हर फर्ज नमाज के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल होती है पर आप लोग नमाज सलाम फेरा ही नहीं नहीं आया है फोन फिर भी अल्लाह वाले यूं कहते हैं कि भाई दिन रात में 24 घंटे होते हैं कितने 24 घंटे इस्तेमाल में आए हैं तो थोड़ी बरकत होगी होगी ना तो 25 हो जाए साथी चार महीने में जाते हैं उनके मंत्र में और बरकत होगी उनके 26-27 घंटे हो जाएंगे 24 है ऐसा होता है तो 24 घंटे होते हैं 24 घंटे में से एक एक मिनट निकालो कितने आसान है 24 घंटे में से एक मिनट निकालना तो कितने मिनट जमा हो जाएगी हमारे पास 24 हमारे अल्लाह वाले कहते हैं कि कम से कम एक मुक्त में बैठ कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने के लिए 24 मिनट होने चाहिए अपने मसाइल को हल कर 24 मिनट बैठकर मांगो 24 मिनट बैठकर अल्लाह से हमारे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत से सारे साथियों ने उनके बयान भी सुने होंगे सुना होगा हजरत को हजरत दो दो घंटे की दुआ करते ढाई घंटे की दुआ हमने देखी है और हजरत का एक कॉल भी साथी नकल करते हैं वापी से लेकर छापी तक जितने साथियों को मैं जानता हूँ सबका नाम लेकर दुआ करता तो चाहिए थे ढाई घंटे हम तो हमारे बच्चों का भी नाम नहीं लेते कि अल्लाह मेरा बेटा अब्दुल्ला है उसको तो हाफिज दे कुरान बना दे ऐ अल्लाह मेरा अब्दुल्ला बेटा है ऐ उसको आलिम दीन बना दे उसको दीन का दाई बना दे अल्लाह उसको तो चार महीने के लिए कबूल कर ले तेरे दीन की मुबारक मेहनत के लिए कबूल कर ले अल्लाह उसके लिए हलाल पाकी का वसी रिस्क का इंतजाम फरमा दे अल्लाह उसके लिए नेक साले बीवी का इंतजाम फरमा दे बेटों के नाम लेकर दुआ करना खाला है फूफी है सबका हक पर एहसान है इनके लिए दुआएं करना हमारे रिश्तेदार दुनिया से चले गए उनके लिए दुआएं करना है तो फिर वक्त तो चाहिएगा ना 24 मिनट में होगा भी नहीं होगा भी 24 मिनट से ज्यादा हो जाएगा जमाते रवाना होते मैं रवान जी में ही कहता हूँ कि भाई 24 मिनट मांगना तो वो सब साथी मेरे सामने देखते हैं कि क्या हुआ कि 24 मिनट उसी मौसम मांगुआ ना मैं ये बता दो ये मांगना सब पूरी उम्मत के लिए मांगना उम्मत अभी किस हाल में गुजर रही है तो खैर हाँ भाई दोस्तों इन दुआओं का तस्बीहात का इत्तेमाम करना कुरान की तिलावत मसनून दुआओं का इत्तेमाम करना और किसी वक्त में 24 मिनट बैठकर कम से कम कहता हूँ हाँ मांगना अल्लाह पाक आपको ज्यादा की तौफीक दे अच्छा ये मजमा जो आया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त हमें अभी हमें दो दिन अभी यहाँ पर रहना है एक माहौल बनाना है आपको यहाँ इस्लामी माहौल मदीना वाला माहौल ये बनेगा इन चीज़ों से जो मैंने बताया जो जिक्र दुआएं करना एक दूसरे को माफ़ करना एक दूसरे की खिदमत करना सहाबा किराम का ये काम था नबी के दौर में मस्जिद नबी में तीन अहम काम होते एक दावत
लोगों को दावत देना है, बयान के बाद तस्वीरें होती है तो आप दावत देकर उनको समझा दो, जो भाई बाहर जाकर बैठो बैठो उनको दावत देकर समझा दो। दूसरा कि भाई तालीम और तालुम सीखना सिखाना होता है, एक दूसरे को बैठ कर सीखना सिखाना होता। और तीसरा खिदमत, ये तीन काम मस्जिद नबी के अहम आमाल में थे, ये हमेशा होते सहाबा हर आदमी की जिंदगी में थे, वो तीन काम हम अपना लें अपनाएंगे इंशाल्लाह आपको अमल करने की तौफीक दे। माशाल्लाह।